हेलो स्टूडेंट्स मैं सेल्फ डॉक्टर रश्मि लोहिया आज मैं ईटीपी की क्लास में आपको न्यू टॉपिक डिस्कस करूँगी डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग इसमें विक्रय तथा विपणन में क्या अंतर है पहला पॉइंट है इसमें फोकस इन फो, सेलिंग सेलिंग फोकस ऑन द नीड ऑफ सेलर एंड इन द मार्केटिंग मार्केटिंग फोकस ऑन द नीड ऑफ कस्टमर्स जब विक्रय में जो सेलर चाहता है वही वस्तु अपना बेचता है या वो जो वस्तु बेच सकता है बस उसी पे वो फोकस करता है बट इन मार्केटिंग जो कस्टमर्स का डिमांड होता है रिक्वायरमेंट होता है नीड होता है उस पर ग्राहक के पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं और उन्हीं के अनुसार प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव उद्देश्य मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफ़िट एंड सेल इन मार्केटिंग मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज़ अर्निंग ऑप्टिम प्रॉफिट विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन सेलिंग विक्रय का उद्देश्य यह होता है कि वो अपना लाभ कमाए विक्रय के बाद वो अपना लाभ अर्जित करें ज़्यादा से ज़्यादा बट मार्केटिंग में विपणन में उसका उद्देश्य यह होता है कि वो पहले ग्राहक संतुष्टि करें फिर अधिकतम लाभ कमाएँ ग्राहक संतुष्टि पहले सर्वोपरि मानते हैं उसके बाद वो उससे धन को कमाना चाहते हैं नेक्स्ट है स्कोप स्कोप इन सेलिंग स्कोप ऑफ सेलिंग इज लिमिटेड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सम कंसिड्रेशन एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज वेरी वाइड इट इंक्लूडेड एक्टिविटीज़ लाइक क्रिएशन ऑफ डिमांड डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड यूजिंग प्रमोशनल टेक्निक एंड आफ्टर सेल सर्विस टू फाइंड आउट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सेलिंग के अंतर्गत सेलिंग का क्षेत्र लिमिटेड है सीमित है इसके अंतर्गत वो अपने सामान को और अपने सर्विसेज को दे करके और धन अर्जित करते हैं पर मार्केटिंग में विपणन में ऐसा नहीं है इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा वृहद है बहुत बड़ा है इसमें कई प्रकार के एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया है कई कार्य को शामिल किया गया जैसे कि लोगों का क्या डिमांड है अपने डिमांड को क्रिएट करना ग्राहकों के बीच में और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करना है क्या डिमांड है उसके अनुसार प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना और कैसे प्रमोट करना है अपने प्रोडक्ट को किस तरह से बाजार में क्या टेक्निक अपनाना है प्रमोट करने के लिए और हम अपने ग्राहक को क्या क्या सेवाएं उपलब्ध कराएंगे सेल आफ्टर सर्विस और कस्टमर कैसे सेटिसफाइड होंगे इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है नेक्स्ट है स्टार्ट एंड एंड सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केटिंग मार्केटिंग स्टार्ट्स मच बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर सेल सेलिंग का कार्य प्रोडक्शन के बाद शुरू होता है और विक्रय के बाद समाप्त हो जाता है बट मार्केटिंग विपणन का कार्य प्रोडक्ट जब बनता नहीं है उसके पहले ही प्रारंभ हो जाता है और विक्रय होने के बाद भी उसका कार्य चलता है ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ का उत्पादन करने से पहले यानी कि हम लोग कस्टमर्स का क्या डिमांड रिक्वायरमेंट है उस समय से मार्केटिंग का कार्य एनालिसिस करते समय चालू हो जाता है और सेल आफ्टर सर्विस भी वो कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन को उनके सर्विस प्रोवाइड करते हैं नेक्स्ट है एफर्ट्स सेलर यूजेस प्रमोशनल टेक्निक्स एंड सम मैनिपुलेटिव टेक्टिक्स आल्सो टू इंक्रीज द सेल बट इन मार्केटिंग मार्केटियर यूज इंटीग्रेटेड मार्केट स्ट्रेटजीज टू कैप्चर बिग शेयर इन द मार्केट सेलर का जो होता है वो अपने बिक्रय को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के, के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कई तरह का प्रयास करते हैं कि अपने ग्राहक को बस अपने वस्तुओं को कैसे बेचा जाए उस सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े उस पर वो एफर्ट लगाते हैं, हैं। और मार्केटिंग तो है। था में है कि वो मार्केटिंग में अपने बिग एरिया को कैप्चर करना चाहते हैं बिग शेयर जो मार्केट का वो कैप्चर करना चाहते हैं ताकि जो मार्केट में जो भी वस्तु या स्ट्रेटेजी होगा वो अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराएं और उसको संतुष्ट की प्रदान करें नेक्स्ट है सुपरमेसी प्रो, प्रोड्यूसर इज कंसिडर्ड किंग पिन ऑफ मार्केट और इन मार्केटिंग कंज्यूमर इज कंसिडर्ड किंग पिन ऑफ मार्केट इसमें सेलिंग में हम लोग प्रोड्यूसर को ही सर्वसपरी मानते हैं कि वही बाजार का राजा है प्रोड्यूसर ही क्योंकि जो उत्पादन करता है वही उसको बेचना है पर मार्केटिंग में ऐसा नहीं है मार्केटिंग में है कि वो अपने कस्टमर को अपने कंज्यूमर को किंग मानते हैं राजा मानते हैं मार्केट का क्योंकि उन्हीं को वो बिक्री और संतुष्टि प्राप्त करते हैं वस्तु को उपलब्ध करा करके नेक्स्ट है अप्रोच सेलिंग इट इन्वॉल्व फ्रेगमेंटेड अप्रोच टू सेल all that is produced by by hook or by crook and in marketing it involves integrated approaches to identify and satisfy customers approach vikray mein selling mein sell karne ke liye जो भी वस्तु हो जो उत्पादन करते प्रोड्यूसर उसे वो किसी भी प्रकार से बाई हुक और बाई क्रूक बेचना पॉसिबल करते हैं या उसे प्रयास करते हैं के लिए वो विशेष जोर लगाते हैं अपने विक्रय पर मार्केटिंग में ऐसा नहीं वो कई प्रकार के अप्रोचेस कई प्रकार के एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहता है एक साथ जिसे वो कस्टमर्स को आइडेंटी भी करते हैं और सेटिस्फाइड भी करते हैं अपने कस्टमर्स को कि हमारे क्या कस्टमर होंगे कौन कस्टमर होंगे उनका क्या डिमांड है और अपने कस्टमर्स को पहचानते हैं और अपने कस्टमर्स के अनुसार ही वो प्रोडक्शन करके उन्हें सेटिस्फाइड करते हैं नेक्स्ट है डिमांड इन सेलिंग इट एज्यूम्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स बट इन मार्केटिंग डिमांड इज क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कस्टमर्स सेलिंग में हम लोग एज्यूम कर लेते कि ये डिमांड होगा और उसके अनुसार हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और उसे विक्रय करना पसंद करते हैं एज्यूमिंग के आधार पे. पर मार्केटिंग में डिमांड को क्रिएट किया जाता है कस्टमर्स क्रिएट करते हम लोग पहचानते हैं और एनालाइज करते हैं अपने कस्टमर्स कौन होंगे फॉर फ्यूचर में और फॉरकास्टिंग करके ही मार्केट एनालाइज करके हम लोग प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को और उसे कस्टमर्स को उपलब्ध कराते हैं ताकि उनकी नीड या रिक्वायरमेंट जो भी है वो सेटिस्फाइड हो पाए थैंक यू स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक में फिर आप लोग से डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक करेंगे